Hello friends, good afternoon. This is Dr. Bakul Dev from Unacademy Studios Placebo and I welcome all of you in this 3 p.m. session. Jaisa ki aap jante hain ki is session mein hum animal kingdom unit discuss kar rahe hain aur ab hum aakhri stage par aa chuke hain. Phylum chordata humne start kar diya tha. Chordata ke bhi kuch basics hum discuss kar chuke the. True fishes ke bare mein humne kal wale session mein discuss kiya tha. आज हम ट्रू फिशेज वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे और एम्फीबिया वाला पोर्शन भी पढ़ने वाले हैं. उससे पहले कल वाले सेशन में कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, फिर मैंने उनसे कहा था कि कमेंट बॉक्स में आप जाकर के इसका रिप्लाई करें, क्वेश्चन लिखें, तो मैं उसका रिप्लाई करता हूं. आई रिसीव्ड द क्वेश्चन एंड आई रिप्लाइड द आंसर ऑल्सो. मेरे ख्याल से काजल ने यह क्वेश्चन पूछा था, रिया का भी उस पर एक रिप्लाई आया था कि सर आई रिप्लाइड द आंसर इन द सेशन इटसेल्फ बट आई कुड नॉट विजुअलाइज इट. तो ठीक है, कोई बात नहीं. कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस देखने के बाद आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर पिक करना होता है. तो कल जब आपने ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई क्रोकोडाइल जो है उसको स्कॉलियोडॉन यानी कि डॉगफिश और व्हेल से कौन से बेस पर कंपेयर करेंगे, तो देर आर प्लेंटी ऑफ पॉइंट्स टू कंपेयर देम, कहने का मतलब सिमिलैरिटीज में, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि उनको हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंसेस भी हैं. तो अब इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा हमें पहले ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि एग्जैक्टली ऑप्शन किस तरीके से फ्रेम किए गए हैं. तो ये हम पढ़ ही चुके हैं कि दे ऑल बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा एंड दे पजेस गिल स्लिट इन वन ऑफ देयर डेवलपमेंटल स्टेज. तो ठीक है, इसी तरीके से जैसे ये कल कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस यहाँ पोस्ट किए, कोई भी क्वेरी हो आप तो जो नॉर्मल कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर के आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए और नेक्स्ट डे मैं उनको डेफिनेटली डिस्कस करूंगा अगर कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया हो सेशन में तो. ओके, तो अब जरा दो तीन जरूरी बातें. पहली जरूरी बात, ये जो टीम आपको दिखाई दे रही है दैट इज टीम प्लेसेबो. हम सब लोग रोजाना 12 घंटे के डेली सेशंस ले रहे हैं आपके लिए, लाइव क्लासेस फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी चारों सब्जेक्ट्स में, और हम बहुत अच्छे से कॉम्प्रहेंसिवली वेरीफाइड प्रिसाइज्ड कंटेंट के साथ आपका पूरा सिलेबस करवा रहे हैं नीट एज वेल एज फॉर एम्स. ठीक है, तो जल्दी से देख लीजिए कौन कौन कब कब क्लासेस ले रहा है. अमित सर बॉटनी की क्लासेस ले रहे हैं शाम 5 बजे, रात 11 बजे. दीपक सर केमिस्ट्री दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे. आनंद सर जूलॉजी सुबह 10 बजे, रात 10 बजे. मैं भी जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ आपको दोपहर 3 बजे और शाम 7 बजे. रितु मैम बायोलॉजी पढ़ा रही हैं शाम 4 बजे, शाम 6 बजे. रोहित सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं दोपहर 12 बजे और रात 8 बजे. ओके, तो इस टीम के साथ जुड़े रहिए. आप नीट और एम्स दोनों क्रैक करने वाले हैं बहुत अच्छी रैंक के साथ में, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में. एनिमल किंगडम हमारा सेशन चल ही रहा है. मायसेल्फ डॉक्टर बकुल देव, जो नए बच्चे हैं उनके लिए, मैं जयपुर से हूँ और करीब करीब 15 सालों का मेरे को एक्सपीरियंस है. मेडिकल एस्पिरेंट्स को पढ़ाया है मैंने और लगभग लगभग सभी जगहों पर पढ़ाया है, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ जो जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं सभी मैंने पढ़ाया है, और करीब 12,000 से ज़्यादा बच्चों को ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेसेबो के जरिए पहली बार मैं आप सब लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ. इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, हम सब लोग हमारा एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं. और दूसरी जरूरी बात है अनअकैडमी प्लस, और प्लस के प्लेटफॉर्म पर आप सबको आ जाना है एट द अर्लीएस्ट. मैं रोज आपको समझाता हूं, कुछ बच्चे सब्सक्राइब करते भी हैं लेकिन फिर भी आप सिंसियरली इस एडवाइस को सुने और जितना जल्दी हो सके प्लस के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ चीजों का इंपॉर्टेंस हमें तब पता चलता है जब वक्त गुजर जाता है. तो इससे पहले कि टाइम पूरा का पूरा निकल जाए, टाइम रहते वक्त रहते आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको जितने भी एडेड एडवांटेजेस हैं और एडेड बेनिफिट्स हैं वो मिलने लग जाएं. एडेड एडवांटेजेस और बेनिफिट्स आप जानते ही हैं, फिर भी मैं बता देता हूं आपको जो नए बच्चे हैं या जो नहीं जानते हैं. हर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं 0.1 उस क्लास के, जिससे कि सारा का सारा कोई लकुना रहे ही नहीं, कोई चीज मिस हो गई है, कोई आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं इसका, जो भी कुछ है वो आपके पास रिटर्न फॉर्मेट में अवेलेबल रहे. वीकली हम क्विजेज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यूनिट कंप्लीशन पर मेगा क्विज ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि लाइव होती हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे अपियर होते हैं. डेडिकेटेड डाउट रिमूवल सेशन है, पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग है. कहने का मतलब ये है कि जो जो फैसिलिटीज इस प्लेटफॉर्म पर हैं आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, और एक बार जब आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेते हैं यू आर एलिजिबल फॉर ऑल द एजुकेटर्स ऑल द सेशंस विच आर गोइंग ऑन. ये जितने भी सेशंस चल रहे हैं, ये 5 यहाँ पे सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज इस वक्त अनअकैडमी प्लस पर चल रहे हैं, सब यहाँ पर मेंशन नहीं है. जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो सब आपके सामने नोटिफिकेशन में आता जाएगा एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर ऑल ऑफ देम. जो 2 नए कोर्स अभी लॉन्च हुए हैं बच्चों, दैट इज 1 असेंड फॉर क्लास 12th, जो कि हम 4 लोग मिलकर पढ़ा रहे हैं, मैं रोहित सर आशुतोष गौरव सर और अमित दीक्षित सर.
जिसमें हम 12th का पूरा पोर्शन आपको कॉम्प्रहेंसिवली पढ़ा रहे हैं, और एक कोर्स जो अकेले मैंने लॉन्च किया है, दैट इज कंप्लीट कोर्स ऑन जूलॉजी फॉर ड्रॉपर्स। इसमें मैं 11th और 12th दोनों का जूलॉजी का पोर्शन कंप्लीटली कवर करवा रहा हूं। ओके, सब्सक्राइब करने का तरीका बड़ा इजी है। ये जो वीडियो चल रहा है इसके नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक कर देना है और सब्सक्रिप्शन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और फिर आपको बस इतना याद करना है कि आप कौन सी क्लास में हैं, आप 12th में हैं या 12th पास कर चुके हैं या 11th में हैं। अगर आप 12th में हैं और 12th पास कर चुके हैं, इन दैट केस यू मस्ट ऑप्ट फॉर दिस 1 year सब्सक्रिप्शन विद अ फी ऑफ 25,000 rupees, विच इज नथिंग अगेंस्ट द कॉन्टेंट विच यू आर गोइंग टू गेट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और ये रेफरल कोड बच्चों आपको जरूर से भर देना है, दैट इज बकुल 10, क्योंकि इस रेफरल कोड को भरते ही होगा ये कि ये 25,000 rupees की फीस 22,500 हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा आपको ये याद करना है कि अगर आप 11th में हैं तो आपको सीधे 2 साल का सब्सक्रिप्शन ऑप्ट कर लेना है। 2 साल का सब्सक्रिप्शन ऑप्ट करते वक्त भी वही प्रोसेस आपको रिपीट करना है, रेफरल कोड फिल करना है बकुल 10, और ये फीस आ जाएगी बच्चों 36,000 पर। ओके, तो Unacademy Plus पर आ जाओ, जल्दी से सब्सक्राइब करो उसको, वी ऑल आर वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। यहां देखो 30+ hours लाइव सेशंस, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लासेस हैं, 35+, बल्कि अब तो मैं कहूंगा 40+ टॉप एजुकेटर्स आर देयर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो सबके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, सबके एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे, सबके नोट्स, सबके क्विजेस, एवरीथिंग विल बी मेड अवेलेबल टू यू। सो डू सब्सक्राइब प्लस और जल्दी से जल्दी वहां आ जाइए। हम अब हमारा सेशन स्टार्ट करें, और सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं जरा ये देख लूं कि कौन कौन बच्चे इस वक्त क्लास में आ गए हैं। लेट मी हैव अ लुक। अफरोज अहमद, आप तो बेटा आज ही दिखाई दिए हो, क्योंकि मैंने आज से पहले आपका नाम शायद नहीं पढ़ा। विजय, आप रोज आते हैं। आशीष चौहान, इररेगुलर हैं। अलूजा राय, ये भी मैंने पहली बार पढ़ा है नाम। गीता संस्कार जैन, ये रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, बीच बीच में रेगुलर हो जाते हैं। निखिल, सौरभ प्रभाकर, अर्पित वर्मा, काजल ओझा, तन्वी, रिया, तरुण धीर, ठीक है, काफी सारे बच्चे आ चुके हैं, बाकी बच्चे आते जाएंगे। और अब हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं छोटे से क्विज के साथ में। एंड Here is your first question on the screen, and the question is: Amoecete is the larval stage of. Amoecete किसका लार्वा है? ये तो हमने कल ही पढ़ा है मेरे ख्याल से। Amphioxus, Hermania, Petromyzon और Hippocampus. चलिए जल्दी से reply कर दीजिए, मैं देखता हूँ कौन-कौन बच्चे reply कर पाते हैं, correct reply कौन-कौन कर पाता है। मेरे पास नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे। हाँ, अब आना स्टार्ट हुए हैं तो रिप्लाई करो, बिल्कुल ठीक है। स्टेटस फॉर बॉयज, कोई बच्चा है उसने कहा है 3 केमिस्ट्री स्टडी। बेटा हेलो नहीं, रिप्लाई करो, हेलो तो हम कर ही रहे हैं। जागृति कह रही है 1, ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं 3, तो ठीक है, ज़्यादातर बच्चे जब कह रहे हैं तो हम जो है बहुमत के साथ जाते हैं, ठीक है। और थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। जो बच्चों ने थर्ड ऑप्शन नहीं दिया है वो एक बार कल वाला सेशन देख लें तो उनको उनका आंसर मिल जाएगा। Amoecete इज द लार्वल स्टेज ऑफ Petromyzon और लेम्प्रे। Petromyzon को हमने पढ़ा था साइक्लोस्टोमेटा में, साइक्लोस्टोमेटा जिसमें कि जॉ नहीं है, जो जॉलेस फिशेज हैं, और साथ साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि ये ट्रू फिशेज पर एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। अब देखो आज जो 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं वो थोड़े ट्रिकी हैं, थोड़े से लेंदी भी हो सकते हैं, और आपको प्रॉपरली अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हेमिकॉर्डेट्स। फर्स्ट, दे आर मरीन वाटर। सेकंड, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक। थर्ड, लार्वल स्टेज इज ऑरिकुलेरिया। फोर्थ, स्टोमोकॉर्ड इज प्रेजेंट। चलो जी, हेमिकॉर्डेट्स के लिए 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पता लगाना है। बताइए जरा, संस्कार जैन कह रहे हैं 3, कोमल अग्रवाल कह रही हैं 3, रिया कह रही हैं 3, ज्यादातर बच्चों के रिप्लाई मेरे पास आने लग गए हैं। दुर्गा चौबे कह रहे हैं 2, एंड वाई सो, कौशल भी कह रहे हैं 2,
लार्वल स्टेज क्या होता है हेमिकॉर्डेट्स का? हेमिकॉर्डेट्स का लार्वल स्टेज होता है टॉर्नेरिया, नॉट ऑरिकुलेरिया. सो थर्ड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टोपैरासाइट? इनमें से कौन सा एक्टोपैरासाइट नहीं है? फीमेल क्यूलेक्स, ट्रिएटोमा, पेट्रोमाइजोन, बेलेनोग्लॉसिस. ऑप्शंस देखेंगे तो इजी हो जाएगा थोड़ा आपके लिए. और दूसरा आपको यह भी पता होना चाहिए कि ट्रिएटोमा क्या होता है, पेट्रोमाइजोन तो चलो मैंने अभी बता ही दिया आपको, हिंट भी मिल गया आपको. बेलेनोग्लॉसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन होता है. बताइए चलिए, लेट मी सी द रिप्लाइज. देवांशु कह रहे हैं 4, अर्घ सिद्धांता कह रहे हैं 4, निखिल 4, रिया कह रही है 3. बेटा अभी तो बताया मैंने पेट्रोमाइजोन और लेम्प्रे दे आर पैरासाइट्स ऑफ एक्टोपैरासाइट्स ऑफ ट्रू फिशेज. मनोज कुमार ठाकुर कह रहे हैं 2. बेटा ट्रिएटोमा का मतलब आपको पता है क्या होता है? ट्रिएटोमा इज बैड बग. बैड बग का मतलब खटमल. खटमल क्या करता है? ब्लड सक करता है ना, तो एक्टोपैरासाइट हुआ कि नहीं? देखो अभी भी तरुण कह रहे हैं 2. करेक्ट ऑप्शन इज बेलेनोग्लॉसिस. बेलेनोग्लॉसिस को और क्या कहते हैं? टंग वर्म, जो कि एक्टोपैरासाइट्स की कैटेगरी में नहीं आता. ठीक है चलिए जी अगले क्वेश्चन पर. अब इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा. अरेंज दीज आर्थ्रोपोड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद रेफरेंस टू नंबर ऑफ लेग्स. कहने का मतलब यह हुआ कि जिनमें सब जिसमें सबसे ज्यादा लेग हैं वो सबसे पहले रखना है आपको, जिसमें सबसे कम लेग हैं उसको सबसे बाद में रखना है. ओके डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको सबको अरेंज करना है. अर्पित भारद्वाज आपका नाम ले दिया बेटा मैंने, पहले भी लिया था ऐसी बात नहीं है, एक बार फिर से लिए देता हूं. बताइए स्कॉलोपेंड्रा, पेरिप्लेनेटा, जूलस एंड स्पाइडर, ये 4 ऑर्गेनिज्म हैं. इन चारों में लेग आपको बताने हैं डिसेंडिंग मैनर में. अब मेरे पास देखिए अलग अलग रिप्लाई आ रहे हैं सबके, और अलग अलग रिप्लाई तो नहीं आने चाहिए सबके, फिर भी ज्यादातर बच्चे 4 कह रहे हैं. 4 प्रवीण कुमार कह रहे हैं 2, कामिनी पुरोहित कह रही हैं 3, संस्कार जैन कह रहे हैं 3. चलो देखो स्कॉलोपेंड्रा जिसको हम सेंटीपीड कहते हैं, जूलस जिसको मिलीपीड कहते हैं, पेरीप्लेनेटा इंसेक्ट है, स्पाइडर एरेकेनेडा में आता है. तो स्पाइडर और पेरीप्लेनेटा इनमें तो आप जानते ही हैं, स्पाइडर में कितने लेग होते हैं? 8, 4 पेयर, और पेरीप्लेनेटा में होते हैं 6, एटलीस्ट इतना आप जानते हैं. फिर नाम से इनका भी पता चल जाएगा, स्कॉलोपेंड्रा को सेंटीपीड कहते हैं, इसको मिलीपीड कहते हैं. इसको मिलीपीड इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके हर सेगमेंट पर 2 पेयर लेग होते हैं जूलस में, और इसके हर सेगमेंट पर 1 पेयर. तो सीधी सी बात है कि मैक्सिमम लेग तो होंगे जूलस में, सबसे पहले तो यही आएगा. फिर दूसरे नंबर पर आएगा स्कॉलोपेंड्रा, माने कि ये. तीसरे पर पेरीप्लेनेटा नहीं आएगा, स्पाइडर आएगा. सो जूलस, स्कॉलोपेंड्रा, स्पाइडर एंड पेरीप्लेनेटा. फोर्थ वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके निखिल कह रहे हैं ये कैसा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बेटा एग्जाम में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यूटेरोस्टोमिक? अब जरा अच्छे से पढ़ लेना, मिलते जुलते से नाम है. मैंने पहले भी कहा था आपको कि ऐसे नाम जब आपको दिखाई दें तो आपको एक बार अच्छे से रिकॉल कर लेना है कौन सा कौन से क्लास से कौन से फाइलम से बिलोंग करता है. चलो जी बताओ ड्यूटेरोस्टोमिक कौन है? सी माउस, सी हेयर, सी हॉर्स, सी लेमन. मोनिका शर्मा कह रही है हेलो गुरुजी, बिल्कुल हेलो बेटा, अब रिप्लाई करो जल्दी से. एलिस कह रही है 4. अभी देखते हैं देखो किस किस का आंसर सही आता है मेरे पास में, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है क्वेश्चन.
देखो एक आंसर आया है 4, एक आंसर आया है 3, एक आंसर आया है 2, फिर से 2, फिर 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4 ऐसे चल रहा है। चलिए मैं बताए देता हूं आपको, सी माउस दैट इज एफ्रोडाइट, जिसे हम पढ़ते हैं एनालिडा में, सी हेयर एप्लाइसिया, जिसे हम पढ़ते हैं मोलस्का में, सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस, जिसे हम पढ़ते हैं फिशेज में, सी लेमन डोरिस, इसे भी पढ़ते हैं मोलस्का में। तो भैया एनालिडा, मोलस्का, मोलस्का ये सब तो प्रोटोस्टोमिक ओरिजिन के होते हैं, ड्यूटरोस्टोमिक तो केवल कौन है, फिशेज, ट्रू फिशेज। सो थर्ड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने थर्ड दिया है आंसर उनका ठीक है। नितेश चौधरी आप लेट हैं थोड़ा, देवांशु, कौशल बघेल कह रहे हैं ड्यूटरोस्टोमिक, उनका डेफिनेशन भी लिख दिया उन्होंने, ब्लास्टोपोर गिव्स राइज टू एनस और क्लोएका, सो द आंसर मस्ट बी सी हॉर्स, बिल्कुल ठीक, करेक्ट, ओके। चलो जी ये क्विज वाला सेक्शन हो गया, अब जरा स्टार्ट कर लें। ट्रू फिशेज, मैंने जो कल चीजें पढ़ाई थी जल्दी जल्दी से आपको समझा देता हूं। देखो यहां पर एक फिश बनाते हैं बच्चों हम जल्दी से, और एक काम करते हैं थोड़ा सा बड़े साइज का बनाते हैं। देखो ये जो बॉडी मैं बना रहा हूं ना, आगे से नुकीला, पीछे से नुकीला, बीच में से फूला हुआ, ऐसे बॉडी को कहते हैं बच्चों स्ट्रीम लाइंड बॉडी। और स्ट्रीम लाइंड बॉडी दो जगहों पर मिलता है, एक तो फिशेज में और एक बर्ड्स में। फिशेज में स्विमिंग जब होगी तो वाटर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस मिनिमाइज होगा, और बर्ड्स में जब वो फ्लाई करेंगे तो एयर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस मिनिमाइज होगा। तो ये स्ट्रीम लाइंड बॉडी हो गई, ठीक है। ये यहां मैंने बना दिया माउथ, फिर यहां मैं बनाता हूं नॉस्ट्रिल। कल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, और वो ये कि भाई इनमें रेस्पिरेशन तो गिल्स से होता है, तो नॉस्ट्रिल का क्या काम है फिशेज में बताओ जरा। ये मैंने बना दिया आई, ठीक है। अब बना देते हैं चलो टेल, इसको कॉडल फिन भी कहते हैं। यहां हम क्या बना दें, गिल स्लिट्स, दीज आर गिल स्लिट्स। अब फिशेज में स्विमिंग के लिए क्या मिलते हैं, फिन्स। तो फिन्स दो तरह के होते हैं बच्चों, एक तो यहां मिलेगा, इसको हम कहते हैं मिड डॉर्सल फिन, और ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं कॉडल फिन, इसी का दूसरा नाम है टेल, ठीक है। इसके बाद फिन्स यहां पर होते हैं, एक तो ये और एक ये जो फिन है ये पेयर्स में होते हैं, ये तो है पेक्टोरल फिन और ये है पेल्विक फिन, ये दोनों पेयर्ड होते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई बात। अब देखो फिशेज की बॉडी पर, बॉडी तो इनका फ्लैट होता है, या तो लेटरली फ्लैट होगा या डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होगा, और इनकी बॉडी पर मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, क्योंकि जब ये तैरते हैं स्विम करते हैं तो वाटर करंट का डायरेक्शन क्या है, वाटर करंट की स्पीड क्या है और वाटर का प्रेशर क्या है, उन सब को डिटेक्ट करने के लिए इनकी स्किन पर, इनकी बॉडी पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में रिसेप्टर अरेंज होते हैं, और इन सारे रिसेप्टर्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, लेटरल लाइन रिसेप्टर सिस्टम। क्या डिटेक्ट करते हैं ये, होते क्या है मैकेनो रिसेप्टर्स, दे डिटेक्ट द डायरेक्शन फ्लो एंड प्रेशर ऑफ द वाटर करंट। तो जो एक्वेटिक कॉर्डेट्स होते हैं, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स, उनमें ये सिस्टम यूजुअली एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। ये ट्रू फिशेज हो गए।
अब इनकी बॉडी पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी इनके स्किन पर, और वो क्या मिलेंगे? स्केल्स. दीज आर द स्केल्स. अब ये जो स्केल्स है ना बच्चों, ये कई तरीके के होते हैं, मतलब चार तरह के स्केल होते हैं. आपको उनके चारों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल इतना याद रख लें कि ये स्केल्स हैं, ठीक है ना. मैं वैसे ही बता देता हूं आपको, एक स्केल होता है प्लेकॉइड, एक होता है साइक्लॉइड, एक होता है टेनॉइड, एक होता है गनॉइड. चार अलग अलग तरह के स्केल होते हैं. क्या मतलब हुआ? जैसे मैं मान लो एक स्केल को बाहर निकाल लूं, किसी एक स्केल को, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि स्केल इस पर्टिकुलर शेप का हो, ठीक है, टूथ के जैसा सा, इसको प्लेकॉइड कह देते हैं. फिर साइक्लॉइड का मतलब है वो इस तरह का है, टेनॉइड का मतलब वो थोड़ा रेक्टेंगुलर टाइप का है. आ रही है नहीं बात समझ में? और या फिर इस पर्टिकुलर शेप का हो सकता है. तो ये अलग अलग कैटेगरी के स्केल होते हैं फिशेज में, प्लेकॉइड, साइक्लॉइड, टेनॉइड और गैनॉइड. जैसे कार्टिलेजिनस फिश में कुछ मिलेगा, बोनी फिश के अंदर कुछ मिलेगा, लाइकवाइज. आपको बस ये याद रखना है स्केल, ओके. तो अब यहां आ जाओ, ट्रू फिशेज हैं, एक्वाटिक होते हैं, मतलब मरीन वाटर में भी मिलेंगे, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे. बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक. कई बार इसको हेड, ट्रंक एंड टेल भी बोल देते हैं. अब ये टेल वाला सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों. ये इंपॉर्टेंट क्यों है टेल वाला सेक्शन? टेल वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि टेल में ये जो दो लोब दिखाई दे रहे हैं ऊपर और नीचे वाला, अगर ये दोनों अनइक्वल साइज के हैं, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें ऊपर वाला लोब छोटा है, नीचे वाला लोब बड़ा है, ऐसा टेल कहलाता है हेटेरो सर्कल टेल. और अगर ये दोनों इक्वल साइज के होते, जैसे मान लो ये कोई फिश है, ये फिश का पीछे वाला हिस्सा है और ये इसके बराबर साइज के होते, तो ऐसा टेल होता है होमो सर्कल. होमो सर्कल टेल तो मिलता है बोनी फिश में, और ये जो टेल है ये है हेटेरो सर्कल, क्योंकि एक लोब बड़ा है एक छोटा. ये मिलता है आपका कार्टिलेजिनस फिश में. तो कहने का मतलब आप फिश को केवल देखकर ये पता लगा सकते हो कि ये बोनी फिश है या कार्टिलेजिनस फिश, केवल ऑब्जर्व करके. कैसे पता लगाओगे? केवल उसकी टेल देखनी है. अगर उसकी टेल के दोनों लोब इक्वल साइज के हैं तब तो वो बोनी फिश है, और अगर उसकी टेल के दोनों लोब अनइक्वल हैं जैसा कि यहां दिखाई दे रहा है तो वो कौन सा फिश है बच्चों? कार्टिलेजिनस फिश. तो केवल ऑब्जर्वेशन से आप पता लगा सकते हैं. अब जरा मुझे याद करके ये बताइए, एक्वेरियम आप सबने देखा होगा, देखा है एक्वेरियम? घर में रहता है छोटा सा, काफी लोगों के घर पे होता है, ऑफिसेज के अंदर भी होता है. उसमें आपने फिशेज देखी होंगी बहुत सारी, अलग अलग रंग की, कलरफुल ब्यूटीफुल फिशेज. अब जरा याद करके बताइए कि उनका टेल कैसा था, अनइक्वल वाला था या इक्वल वाला था, और वो कौन सी फिशेज होती हैं, बोनी या कार्टिलेजिनस? याद करके बताइए चलिए जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं. कौशल, मैंने स्केल बना दिया ना यहां पे, देखो ये प्लेकॉइड स्केल है, ये साइक्लॉइड स्केल है सर्कुलर, ये टेनॉइड स्केल है, ये गैनॉइड स्केल है. बस केवल नाम याद रख लो, इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं करना है आपको. कुछ बच्चों के रिप्लाई आए हैं मेरे पास, एक्वेरियम में बोनी फिशेज होती हैं. अब जब कभी एक्वेरियम देखो तो ध्यान से देखना उन फिशेज की टेल, उनके दोनों लोब आपको इक्वल साइज के दिखाई देंगे, वो बोनी फिशेज होती हैं. एक और तरीके से आप ये पता कर सकते हो कि वो बोनी फिशेज होती हैं, कौन सा तरीका है? कि कार्टिलेजिनस फिशेज आर एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर्ड. कार्टिलेजिनस फिश केवल मरीन वाटर में मिलती हैं, जबकि बोनी फिशेज मरीन और फ्रेश दोनों में मिलती हैं. तो वो जो एक्वेरियम हमारे घर पे रखा होता है उसमें पानी यूजुअली कैसा होता है? फ्रेश वाटर. तो देयर हैज टू बी बोनी फिशेज. ओके, स्केल हो गए, फिन्स हो गए, गिल स्लिट्स हो गए. अच्छा, गिल स्लिट के बारे में एक चीज और याद रखनी है आपको. यहां तो ये गिल स्लिट दिख रही है, गिल स्लिट अगर दिख रही है ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है. अगर किसी फिश के गिल स्लिट आपको दिख रहे हैं तो भी वो कार्टिलेजिनस फिश है, क्योंकि बोनी फिश में क्या होता है, इन गिल स्लिट्स को एक कवर
एक रिफ्लेक्शन इनको कवर किए रहता है, वो रिफ्लेक्शन कहलाता है ऑपरक्यूलम। तो ऑपरकुलम किस में मिलता है? केवल बोनी फिशेज में। तो ऑपरकुलम की प्रेजेंस की वजह से गिल स्लिट दिखते नहीं है। तो अगली बार जब एक्वेरियम की फिशेज देखो तो ये भी ध्यान से देखना, उसमें आपको गिल स्लिट सामने से दिखाई नहीं देंगी। एक फोल्ड होता है स्किन का जो उनको कवर किया रहता है, दैट पर्टिकुलर फोल्ड इज नोन एज ऑपरकुलम। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हुई फिश के बारे में। अब ये चीजें और समझ लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है कंप्लीट। लेकिन इसमें आपको एक चीज याद रखनी है अच्छे से कि एनस तो मिलता है बोनी फिश में और क्लोएका मिलता है कार्टिलेजिनस फिश में। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम मीजोनेफ्रिक किडनी। अब किडनीज बेसिकली तीन तरह के होते हैं डेवलपमेंट के प्रोसेस में, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। ये हम एक्सक्रीटरी सिस्टम जब आएगा तब डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे बनते हैं ये। अब मीजोनेफ्रिक किडनी है, लेकिन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो यूजुअली होता है अमोनिया, एक होता है यूरिया। अमोनिया होता है बोनी फिश में, यूरिया होता है कार्टिलेजिनस फिशेज में। मैं इन दोनों के डिफरेंसेस आपको अभी एक चार्ट बना करके और समझाऊंगा। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, तो ये भी आप जानते हैं, टू चैम्बर्ड हार्ट। कहने का मतलब ये हो गया कि वन एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल, और इस हार्ट को हम क्या कहते हैं, वीनस हार्ट, क्योंकि इस हार्ट में केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर होता ही नहीं। अब देखो ये जो चीज है इसको अच्छे से समझ लो, एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर जो है, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है ये केवल बोनी फिशेज में मिलता है। ठीक है साहब, एयर ब्लैडर होता क्या है, इनकी बॉडी में अंदर एक सैक थैले के जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें हवा भरी रहती है। अब जब हवा भरी रहेगी तो फायदा क्या होगा इससे, जिस भी फिश की बॉडी में ये थैला है सैक के जैसा स्ट्रक्चर जिसमें हवा भरी है, वो अगर तैरना बंद भी कर दे तो वो बॉटम में सिंक नहीं कर जाएगा, डूबेगा नहीं, नीचे नहीं चला जाएगा, क्योंकि ब्योयंसी बनी रहेगी, फ्लोटिंग एबिलिटी उसकी बनी रहेगी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर। तो बोनी फिशेज में एयर ब्लैडर होता है और इसलिए दे रिमेन ऑन सरफेस इवन इफ दे स्टॉप स्विमिंग। अब ये आपको एसर्शन रीजन में ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो जरा अच्छे से समझ लेना। जिस भी फिश में एयर ब्लैडर होगा वो सरफेस पर फ्लोट करते रहेंगे अगर स्विम करना बंद कर दें तो भी, क्योंकि उनमें ब्योयंसी है, क्योंकि उनमें एयर भरा हुआ है। और कार्टिलेजिनस फिश में ये ब्लैडर नहीं होता, जैसे शार्क, तो कार्टिलेजिनस फिश में अगर ये ब्लैडर नहीं होगा तो वो अगर स्विम करना बंद कर देंगे दे इमीडिएटली विल सिंक टू बॉटम, वो सरफेस पर बने नहीं रह सकते, उनको एक्टिवली स्विम करना ही पड़ेगा सरफेस पर आने के लिए। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। फर्टिलाइजेशन, ये भी आपको याद रखना है, एक्सटर्नल इन केस ऑफ बोनी फिशेज एंड इंटरनल इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज। डेवलपमेंट विल बी डायरेक्ट इन बोथ द केसेस, लार्वल स्टेज नहीं बनेगा, और ये पॉइकिलोथर्मिक होते हैं। पॉइकिलोथर्मिक का मतलब समझा दूं बच्चों, इसके और भी कई नाम हैं। पॉइकिलोथर्मिक को एक्टोथर्मिक भी कहते हैं, एन आइसोथर्मिक भी कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं। कहने का मतलब ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, एम्बियंस का टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे वैसे इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता जाएगा। अच्छा चलो देखता हूं मैं कोई क्वेश्चन इतनी देर में आया क्या। अफसाना खान कह रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स से आता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गिल्स में ही इनका गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होगा,
मोनिका शर्मा वीनस हार्ट लिख रही हैं, बिल्कुल ठीक है। और देखता हूँ, ठीक है, अभी मेरे पास और कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, आगे चलते हैं। चलिए अब आगे वाला ये जो चार्ट मैं अब बनाने जा रहा हूँ बच्चों आपके लिए, ये चार्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इसके एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहां मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश, इनमें इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस कौन से हैं, यूजुअली इन चीजों पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेस्मोब्रेंकाई और कॉन्ड्रिक्थीज, या सिंपल लैंग्वेज में क्या कह दें, कार्टिलेजिनस फिशेस, टिलोस्टाई और ऑस्टिक्थीज, सिंपल लैंग्वेज में क्या कह दें, बोनी फिशेस, ठीक है ना। इनमें मैं डिफरेंसेस का चार्ट बना रहा हूं बच्चों, और इस चार्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। चलो जी, सबसे पहली चीज तो इसके नाम से ही समझ में आ गई आपको, कार्टिलेजिनस फिश है, इसका मतलब इसमें एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का, और यहां एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ है, बोन्स का। पहला डिफरेंस तो इजी है, याद हो जाएगा आसानी से। अब दूसरे डिफरेंस पर आ जाओ, कार्टिलेजिनस फिशेस आर एक्सक्लूसिवली मरीन वॉटर्ड एंड दे आर मरीन एज वेल एज फ्रेश वॉटर्ड, ठीक है। कार्टिलेजिनस फिशेज की अराउंड 1000 स्पीसीज होती हैं, नॉट मोर देन दैट। बोनी फिशेज की अराउंड 25,000 स्पीसीज होती हैं, यानी कि ज्यादातर फिशेज कैसी होती हैं, बोनी फिशेज, ठीक है जी। अब आओ साहब तीसरे डिफरेंस पर, ध्यान से देखते रहना बच्चों इनको, सारे डिफरेंसेस को। ये पहला था, ये दूसरा, अब थर्ड पर आते हैं। अब फिर से मॉर्फोलॉजी को देखो, बाहर ये पिक्चर देखो फिर से। तो ये जो स्केल मैंने बनाए हैं कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर, स्केल कौन से मिलते हैं, और बोनी फिशेस के अंदर ये तीन बाकी के। कार्टिलेजिनस फिशेज में अभी मैंने क्या डिस्कस किया कि कॉडल फिन या टेल कैसा होता है, हेटेरोसर्कल। बोनी फिशेज में कैसा होता है, होमोसर्कल। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, टेल हेटेरोसर्कल, और यहां टेल कैसा है, होमोसर्कल। इसका मतलब दोनों लोब इक्वल साइज के, हेटेरोसर्कल का मतलब हो गया समथिंग लाइक दिस, और होमोसर्कल का मतलब हो गया इक्वल साइज, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, चौथा, यहां माउथ होगा वेंट्रल और क्लोएका प्रेजेंट होगा। माउथ वेंट्रल का मतलब अभी समझाता हूं आपको, यहां होगा माउथ टर्मिनल और इनमें क्या होगा, एनस प्रेजेंट होगा। अब जरा आप यह समझ लीजिए कि माउथ वेंट्रल और इसका मीनिंग क्या है, यहां बनाता हूं। चलो देखो, एक फिश तो है ये, या एक मिनट रुकिए, एक फिश तो हुआ ये जिसमें मैं कार्टिलेजिनस फिश बना देता हूं, चलो एक तो, और इस तरफ बना देता हूं आपके लिए एक बोनी फिश। तो कार्टिलेजिनस फिश में माउथ कहां होगा, देखना, यहां, यानी कि वेंट्रल सरफेस पर, और बोनी फिश में माउथ होगा यहां, यानी कि टर्मिनल। दोनों बातों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल कोने पर है और ये है नीचे की तरफ, इट इज लोकेटेड अ बिट लोअर साइड, इसको वेंट्रल माउथ कहते हैं, ठीक है ना। चलो जी अगले डिफरेंस पर आ जाएं। इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट
यूरिया और इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया, ठीक है, इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल, इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट और बोनी फिशेज में एयर ब्लैडर प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हुआ? बोनी फिश रिमेन फ्लोटिंग ऑन द सरफेस इवन विदाउट स्विमिंग बिकॉज दे पजेस एयर ब्लैडर। अगला डिफरेंस देखो, इनमें ऑपरक्यूलम एब्सेंट और यहां ऑपरक्यूलम प्रेजेंट। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हो गए हैं कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश में। मैं एक बार के लिए हट जाता हूं, अगर किसी बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, कार्टिलेजिनस फिश एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना होगा, बोनी फिशेज में बोन से बना होगा। कार्टिलेजिनस फिशेज एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर्ड होंगे, वो मरीन और फ्रेश दोनों में मिलेंगे। कार्टिलेजिनस फिशेज के लगभग 1000 स्पीसीज हैं, बोनी फिशेज के लगभग 25000 स्पीसीज हैं। कार्टिलेजिनस फिश का टेल डिसिमिलर होगा हेटरोसर्कल टाइप का, बोनी फिश का टेल होमोसर्कल होगा। कार्टिलेजिनस फिश में माउथ वेंट्रल होगा, बोनी फिश में माउथ टर्मिनल होगा। कार्टिलेजिनस फिश में क्लोएका मिलेगा, बोनी फिश में एनस मिलेगा। कार्टिलेजिनस फिश में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होगा, बोनी फिश में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होगा। कार्टिलेजिनस फिश में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, बोनी फिश में एक्सटर्नल होगा। कार्टिलेजिनस फिश में एयर ब्लैडर एब्सेंट होगा, बोनी फिश में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा। इस वजह से कार्टिलेजिनस फिश अगर स्विम करना बंद कर देंगी तो तुरंत बॉटम में चली जाएंगी, और बोनी फिश अगर स्विम करना बंद कर देंगी तो भी सरफेस पर बनी रहेंगी, फ्लोट करती रहेंगी। कार्टिलेजिनस फिश में ऑपरकुलम नहीं होता, बोनी फिशेज में ऑपरकुलम होता है। ऑपरकुलम वो स्ट्रक्चर है जो कि गिल स्लिट्स को कवर करता है, ठीक है। ये आपके डिफरेंसेस हो गए कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेज में, ओके। संस्कृति कह रही है नीट में एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चंस आते हैं क्या? कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, एम्स में तो आते ही हैं। जो चीज यहां हम पढ़ रहे हैं वो अप टू एम्स इलेबोरेशन है, नीट और एम्स दोनों के लिए आपका इलेबोरेशन है ये, ठीक है। और इसके अलावा अफसाना खान कह रही है कार्टिलेजिनस फिश में इजेक्यूलेटरी नहीं लिखेंगे बेटा, कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होने की वजह से फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो पाता है, ठीक है। इसके बाद ठीक है, फिर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं पर सबको याद करने की आपको जरूरत नहीं है, दैट इज मोर देन सफिशियंट। चलो जी अब एग्जांपल्स पर आ जाएं, आ जाओ। अब इस स्क्रीन को देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले इसमें मैंने कार्टिलेजिनस फिशेस के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहां पर आपके लिए इमेजेस अपलोड की हैं, तो इनको देख लीजिए जरा। सबसे पहले देखिए काइमेरा। काइमेरा की खास बात क्या है, अच्छे से समझना इसको। काइमेरा ये है, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, दैट इज काइमेरा। इसको रैट फिश या रैबिट फिश भी कहा जाता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो काइमेरा है इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेज। ये कार्टिलेजिनस और बोनी फिश के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, और क्यों है कनेक्टिंग लिंक? क्योंकि इनमें क्या मिलता है, ऑपरकुलम प्रेजेंट होता है, जबकि अभी हमने डिस्कस किया था कार्टिलेजिनस फिशेज में ऑपरक्यूलम नहीं मिलता, यह एक्सेप्शन है। प्रिस्टिस, प्रिस्टिस का मतलब होता है सॉ फिश, सॉ का मतलब आरे के जैसा। तो अब इसको देखिए आप, ये प्रिस्टिस है, ऑल्सो नोन एज सॉ फिश,
ठीक है ना। आगे चलिए स्कॉलियोडॉन, ये स्कॉलियोडॉन है जिसको डॉग फिश भी कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो शार्क। यहां आइए, ये है जाइगीना, जाइगीना का मतलब होता है हैमर हेडेड फिश। इसका सिर जो है, देखो ये हेड देखो इसका, ये हथौड़े के जैसा है, हैमर के जैसा, इस वजह से इसका नाम है हैमर हेडेड फिश। टॉर्पीडो, ये टॉर्पीडो है इलेक्ट्रिक रे, इसमें ये जो डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये इसके इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं, ठीक है। टॉर्पीडो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक रे। और फिर देखिए ट्राइगोन, ये ट्राइगोन है, इसको स्टिंग रे भी कहा जाता है, ठीक है। राइनोबेटस, ये गिटार फिश है, इसका पिक्चर मैंने अपलोड नहीं किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्टिलेजिनस फिशेस हो गए। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो बच्चों तीन टर्म काम में लिए जाते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस के लिए, वन इज रे, स्केट एंड शार्क। जैसे ये डॉग फिश है स्कॉलियोडॉन, ऐसे ही एक और फिश होता है कार्कैरोडॉन, उसको व्हाइट शार्क बोल देते हैं, रिंकोडॉन को व्हेल शार्क बोल देते हैं। तो शार्क टर्म जगह जगह काम आएगा, स्केट टर्म काम आएगा। जैसे एक फिश होता है राजा, ऑल्सो नोन एज स्केट फिश, तो ये टर्म भी कई जगह काम आएगा। और रे, ये तो आपने देख ही लिया इलेक्ट्रिक रे, तो जहां भी आपको कॉमन टर्म दिखाई दे रे, स्केट और शार्क, इसका मतलब वो फिशेस कैसे हैं, कार्टिलेजिनस, ओके। और लगे हाथ ये भी देख लीजिए, देखो ये ऊपर वाला लोब या नीचे वाला लोब, ये देखो ये ऊपर वाला लोब या नीचे वाला लोब, यानी कि जहां पर भी टेल कैसा होगा, हेटरोसर्कल, वो फिशेस कौन सी होंगी बच्चों, कार्टिलेजिनस फिशेस। चलो जी आगे मूव करें बोनी फिशेस पर। ये लीजिए, ये आपके बोनी फिशेस आ गए। कोई क्वेश्चन देखता हूं, ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन मेरे पास नहीं आया है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन का फंक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, ऑफेंस डिफेंस दोनों में काम आएगा। कोई ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा तो ये हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करेगा उसको, जिससे कि वो दूर हट जाए, ठीक है। संस्कृति, आपको समझ में आ गया। रिया, आपने क्या पूछा है बेटा, व्हाई स्टोन फिश इज पॉइजनस, ये इस लैंग्वेज में क्वेश्चन फ्रेम मत करो। ये जरूर पूछा जा सकता है कि स्टोन फिश पॉइजनस है तो उसका पॉइजन एपरेटस या वो किस तरीके से पॉइजनस इफेक्ट शो करता है, इस क्वेश्चन का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं हुआ। व्हाई स्टोन फिश इज पॉइजनस, ये लगभग वैसी बात है व्हाई कोबरा इज पॉइजनस, व्हाई पाइथन इज नॉन पॉइजनस, व्हाई पिजन हैज द एबिलिटी टू फ्लाई, व्हाई व्हेल हैज द एबिलिटी टू स्विम, ठीक है ना। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन नहीं हुआ। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें पॉइजन एपरेटस होता है, पॉइजन ग्लैंड होती है, वो पॉइजनस हो जाते हैं। पॉइजन जब होगा तो डेफिनेटली वो ऑफेंस और डिफेंस के लिए होगा, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन स्पेसिफिकली एक ही फिश के अंदर क्यों बना, तो ये उसका पूरा एवोल्यूशनरी सीक्वेंस देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके के एम्बियंस में है, उसको वहां किस किस तरीके के खतरे हैं। अगर वो डेंजरस सिचुएशन के अंदर है या कोई ज्यादा ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक करने वाले हैं तो उसके अंदर फिर डिफेंस का मैकेनिज्म डेवलप हो जाएगा। जैसे ऑक्टोपस है तो ऑक्टोपस सीक्रेट इंक, इंक ग्लैंड होता है ऑक्टोपस में, सारे के सारे मॉलस्क में तो नहीं होता, केवल ऑक्टोपस में होता है क्योंकि वो वल्नरेबल ज्यादा है। तो ये इस लैंग्वेज में क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा, ठीक है। और कौन से क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, अभी और कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा। व्हाई टेल साइज इज, ये लगभग वैसा ही क्वेश्चन आपने पूछ लिया है बेटा, व्हाई टेल साइज इज डिफरेंट इन कार्टिलेजिनस फिशेज। अब मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि व्हाई द साइज ऑफ फिंगर्स
is different in case of human? ये चारों उंगलियां एक ही साइज की क्यों नहीं हो जाती? Is it a logical question? Is it a valid question? During the course of evolution, gripping के लिए ये structures generate हुए कि किसी object को हम grip कर पाए, ठीक है? और जिन structures से ये evolve हुए, phalanx, वो स्ट्रक्चर एंसेस्टर्स में ऑलरेडी स्मॉल साइज्ड थे, तो इवॉल्व होते होते हुआ ये कि ये चार तरीके के फिंगर्स डेवलप हो गए, और एवोल्यूशनरी ट्रेंड में इनके जो प्रिकर्सर बोन्स थे उन बोन्स के साइज के अकॉर्डिंगली ये धीरे 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 डेवलप होते गए। समझ में आ गई बात? एक और इसके अंदर चीज ये हाइपोथेटाइज की जा सकती है या ये सोची जा सकती है कि अगर हेट्रोसर्कल टेल होगा, एक लोब बड़ा होगा एक लोब छोटा होगा, तो हो सकता है कि स्विमिंग का स्पीड जो है वो वेरी करे, थोड़ा तेज हो जाए, क्योंकि कार्टिलेजिनस फिशेज जो है वो यूजुअली फास्ट स्विमर्स होते हैं एज कंपेयर टू बोनी फिशेज। ओके, चलो आगे चलते हैं। बोनी फिश देख लो जल्दी से, हिप्पोकैम्पस। ये हिप्पोकैम्पस है, इसको सी हॉर्स भी कहते हैं। और बच्चों ये अकेला ऐसा फिश है, याद रखना बहुत अच्छे से, इट इज द ओनली फिश विच एग्जिबिट वर्टिकल स्विमिंग। ये वर्टिकली स्विम करता है हिप्पोकैम्पस, ठीक है? काटला, ये एडिबल फिश है। एग्जोसीटस, ये एग्जोसीटस देखो पंख जैसा दिख रहा है इसमें, ये फ्लाइंग फिश है। ठीक है, फिर यहां आओ, ये सोलिया, इसको फ्लैट फिश भी कहते हैं, ठीक है ना, लेटरली फ्लैट है। ये है गैम्बूशिया, लार्वी वायरस फिश, ठीक है, इट सर्वाइव्स और फीड्स ऑन द लार्वा ऑफ मॉस्किटो। एनाबस, इसको क्लाइंबिंग पर्च भी कहते हैं। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हुए। फिर लेबियो, रोहू, ये भी एडिबल फिश है जो इंडिया में कंज्यूम किया जाता है। बेटा, ये एक्वेरियम में जो फिश मिलता है वो बेटा है, ठीक है? तरुण कह रहे हैं विच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज फाउंड इन कार्टिलेजिनस फिशेज, दिस इज हाइलाइन कार्टिलेज। तीन तरह के कार्टिलेज होते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज, येलो इलास्टिक कार्टिलेज एंड व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, तो इनमें हाइलाइन कार्टिलेज मिलता है, ठीक है? इसके बाद देखिए, संस्कृति कह रही है व्हेन एम्फीबियंस आर इन वाटर वो लंग से ब्रीद करते हैं क्या? नहीं कर सकते, उस वक्त उनमें क्यूटेनियस ब्रीदिंग होती है या ज्यादा से ज्यादा बकोफेरेंजियल ओरल कैविटी से, ठीक है? चलो अभी लगभग सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो आप इस पर पोस्ट कीजिए। आगे चलूं मैं, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी नॉट क्वेश्चन। लंग फिशेज, लंग फिशेज को हम डिप्नोई भी कहते हैं। अब आपको मैं ये समझा दूं पहले तो कि लंग फिशेज बेसिकली क्या है। बोनी फिशेज, ये बोनी फिश ही है, लेकिन इनको हम एक सेपरेट कैटेगरी में पढ़ रहे हैं लंग फिशेज। क्यों? क्योंकि बोनी फिशेज में अभी हमने पढ़ा था एयर ब्लैडर होता है, और बोनी फिशेज में एयर ब्लैडर का काम केवल इतना होता है कि वो ब्योवेंसी प्रोवाइड करे, थोड़ा फ्लोटिंग एबिलिटी प्रोवाइड करे फिश को। यहां एयर ब्लैडर क्या करने लगता है लंग फिशेज में? इट स्टार्ट टू असिस्ट इन ब्रीदिंग। कहने का मतलब ये एयर ब्लैडर जो है, इट स्टार्ट टू एक्ट एज लंग्स, इल डेवलप्ड लंग्स की तरह काम करने लगा एयर ब्लैडर। इस वजह से इन फिशेज को हमने क्या कह दिया? लंग फिशेज। ओके,
और लंग फिशेज के बारे में आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है, वो ये कि लंग फिशेज एग्जिबिट डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। और जब मैं कहता हूं डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन तो इसका मतलब क्या होता है, देखो एक तो स्पीसीज है नियोसेरेटोडस, दूसरी है लेपिडोसायरन, तीसरी है प्रोटोप्टेरस, तीन ही लिविंग स्पीसीज हैं लंग फिशेज की। अब एक तो कहां मिल रहा है नियोसेरेटोडस ऑस्ट्रेलिया में, लेपिडोसायरन अमेरिका में, प्रोटोप्टेरस अफ्रीका में, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कोई स्पीसीज बहुत डिस्टेंट जियोग्राफिकल लोकेलिटीज में मिलती हो और उनके बीच की जियोग्राफिकल लोकेलिटीज में वो टोटली एबसेंट होती हो, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एक और एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसे कि ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच दो जगहों पर ही मिलता है, या तो अफ्रीका में या अमेरिका में, ठीक है, या तो स्ट्रुथियो कैमेलस जिसको अफ्रीकन ऑस्ट्रिच कहते हैं, या फिर रिया अमेरिकाना जिसको अमेरिकन ऑस्ट्रिच कहते हैं, यह भी डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। कैमल की बात कर लें तो कैमल में भी डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा ही एक डिस्ट्रीब्यूशन और होता है रेस्ट्रिक्टेड, कि भाई कोई स्पीसीज एक ही जगह मिलती हो, जैसे किवी केवल न्यूजीलैंड में, कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में, हमिंग बर्ड केवल क्यूबा में, लाइक दिस। तो ये एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका नियोसेरेटोडस है ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, फिर ये आपका लेपिडोसायरन है ये वाला, यानी कि अमेरिकन, और ये अफ्रीकन लंग फिश, ठीक है। ये तीन तरीके के लंग फिश हैं, और चूंकि इनमें लंग्स के जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, इस वजह से लंग फिशेस को हम क्या कह दें, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस। तो ये आपके फिशेस वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। संस्कृति कह रही है सर अगर हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और ऑक्सीजनेटेड गिल्स में जाकर के होता है तो भाई हार्ट की जरूरत क्या है। भाई हार्ट तो पंपिंग ऑर्गन है, हार्ट का लेना देना ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड से नहीं है। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, वो मस्कुलर ऑर्गन है। अगर हार्ट नहीं होगा तो पूरे प्रेशर के साथ ब्लड बॉडी के अंदर सर्कुलेट ही नहीं हो पाएगा। What is the function of heart? It is a pumping organ. अब oxygenation gills में होता है कि placenta में होता है कि lungs में होता है, इससे heart को कोई लेना देना नहीं है। उसका काम है बस blood को pump करना पूरे body में, ठीक है। विकास कह रहे हैं gills और lungs में क्या difference है, अभी बताते हैं बेटा। और देखता हूं क्या question है यहां। सूर्य लोग कह रहे हैं सर आपका ग्रुप नहीं है टेलीग्राम पर, विद इन अ फ्यू डेज इसी वीक में मैं टेलीग्राम का लिंक आप सब लोगों से शेयर करने वाला हूं, मोस्ट प्रोबेबली टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। और देखता हूं कोई क्वेश्चन है क्या। ठीक है, अभी कोई और क्वेश्चन मेरे पास नहीं आया। तरुण कह रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा, पहले हम कॉर्डेटा कंप्लीट कर लें, कॉर्डेटा कंप्लीट करने के बाद में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स पर चलेंगे। सो पाइसिस कंप्लीट हो गया, फिर आता है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब जिनमें टू पेयर पेंटाडक्टाइलस लिम्ब्स प्रेजेंट हो, और उसमें पहला ग्रुप आता है बच्चों एम्फीबिया। अब एम्फीबिया का मतलब क्या है, एम्फी का मतलब बोथ, बायोस का मतलब होता है लाइफ, कहने का मतलब लाइफ एग्जिस्ट इन बोथ टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी और एक्वेटिक हैबिटेट में भी, दोनों में ही इनका लाइफ एग्जिस्ट करता है, लाइफ सर्वाइव करता है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज एम्फीबियस। चलिए अब इनके हम जनरल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। पहला तो आई गया एम्फीबियस, दूसरा बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, इनमें भी टेल नहीं होता, ठीक है। अब फिशेज से डिफरेंस क्या है, वहां पर आओ।
Skin is scaleless, moist and smooth. जैसे अगर किसी मेंढक को आपने देखा हो तो उसका स्किन बिल्कुल स्मूथ होता है, मॉइस्ट होता है, स्लिपरी होता है, क्योंकि उस पर म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं और वो इस वजह से, क्योंकि स्किन को मॉइस्ट बनाए रखना जरूरी है जिससे कि क्यूटेनियस ब्रीदिंग, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहे. टू पेयर लिम्स और इनको हम कहेंगे पेंटाडेक्टाइलस लिम्स, यानी ऐसे लिम्स जिनमें कितने डिजिट हो, 5. रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन इनमें तीन तरह से होता है, अच्छे से समझ लो इसको. एक तो हो ही गया क्यूटेनियस, माने कि स्किन से, या प्रिसाइजली मैं कहूं तो मॉइस्ट स्किन से. दूसरा बकोफेरेंजियल, यानी कि ओरल कैविटी से. और तीसरा पल्मोनरी, यानी कि लंग से. ठीक है ना, तीन मोड है इनमें रेस्पिरेशन के. डाइजेशन, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगा और इनमें क्या मिलेगा, क्लोएका, एनस नहीं मिलेगा. दे पजेस क्लोएका. ओके, तो ये कुछ फीचर्स हुए. रिया मेगन कह रही हैं, अर्पित डू यू नो हाउ सिंगल ओवरी इन बर्ड्स इज एरियल एडेप्टेशन इन देम. मैं बता देता हूं बेटा आपको, वैसे तो बर्ड्स में आता तो पढ़ लेते हैं हम. क्या होता है, राइट साइड में लिवर होता है, लिवर अनपेयर्ड स्ट्रक्चर है. आ गई बात समझ में? तो जब लिवर अनपेयर्ड है तो लेफ्ट साइड में तो लिवर मिलेगा नहीं, तो उस वेट को बैलेंस करने के लिए जो राइट साइड का ओवरी है वो राइट साइड का ओवरी रिड्यूस हो जाएगा साइज में, और जब वो रिड्यूस हो जाएगा साइज में तो केवल लेफ्ट साइड का ओवरी फंक्शनल बचेगा, जिससे कि बॉडी वेट बैलेंस हो जाए. आ गई बात समझ में रिया? ठीक है, चलो जी अगले कैरेक्टर्स पर देखो. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा है एम्फीबियंस का देखो. थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन अगर आप डॉर्सल व्यू देखेंगे तो डॉर्सल व्यू में आपको दिखाई ये देगा कि एक एडिशनल चैम्बर और बन गया है यहां ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हार्ट. ये एक चैम्बर और बन गया है, तो ये जो एक्स्ट्रा चैम्बर यहां बना है बच्चों, इस चैम्बर को हम कहते हैं साइनस वीनोसस. और अगर आप वेंट्रली ऑब्जर्व करेंगे तो वेंट्रली ऑब्जर्व करने पर हमें दिखाई देगा कि यहां से एक और स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो रहा है वेंट्रिकल से, एक एडिशनल चैम्बर वेंट्रल एस्पेक्ट पर है, ये वेंट्रल है जिसको हम कहते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस. तो आपको यह याद रखना है, देर आर टू एडिशनल चैम्बर्स इन केस ऑफ एम्फीबियंस. वन इज साइनस वीनोसस, अनदर इज ट्रंकस आर्टेरियोसस. प्रथम मिश्रा कह रहे हैं, सर टेल मी समथिंग अबाउट लंग फिश. लो, इतनी देर से लंग फिश ही तो पढ़ रहे थे हम, ये सारा का सारा बताया था मैंने. एक बार इसको रिविंड करके देख लेना, जरा पीछे जाकर के सब समझ में आ जाएगा. अच्छा ठीक है, आपके अगले सेशन का वक्त हो गया है तो चलिए बस इसको कंक्लूड किए देते हैं. यहां तक देख लीजिए,
blood vascular system, three chambered heart, और इस थ्री चैम्बर्ड हार्ट में एक साइनस वीनोसस और एक ट्रंकस आर्टेरियोसस, दो एडिशनल चैम्बर्स होते हैं। ये जनरल करेक्टर्स जो बच गए हैं, प्लस ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनको देख लो अच्छे से, ये कल पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं, इनको मैं कल बताऊंगा। आज का सेशन चलो बच्चों यही कंक्लूड करते हैं। अब पाइसिस फिशेज आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एम्फीबियंस के कुछ जनरल करेक्टर हम पढ़ चुके हैं, कल का सेशन बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एम्फीबिया के साथ साथ हम रेप्टाइल्स को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और रेप्टाइल्स वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो कल वाला सेशन आप सभी को अटेंड करना है शार्प एट 3 o'clock, और उससे पहले शाम को 7 बजे तो हम मिल ही रहे हैं, जहां आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। देखो पुराने जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक्स हैं ये, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म पढ़ने वाले हैं आज हम, डीडीटी रेजिस्टेंस पढ़ने वाले हैं, सिकल सेल एनीमिया कैसे नेचुरल सेलेक्शन का एग्जाम्पल है, डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या है, डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन क्या है, और ह्यूमन का एवोल्यूशन किस सीक्वेंस में हुआ, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आज शाम 7 बजे हम पढ़ने वाले हैं। तो 7 बजे भी आप सब आइए, शार्प एट 7 o'clock, आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, जैसा कि मैंने रिपीट किया पहले भी बताया आपको, कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, आई विल सी देम एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई देम इन द नेक्स्ट सेशन। एंड फाइनली hit the bell icon, like, subscribe and share this post as the maximum. ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, that's all. तो मिलते हैं बच्चों ठीक शाम 7 बजे, goodbye.